हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सुबह हो गई और सुबह जल्दी हुई, मैं तो सो ही नहीं रात भर की। सुबह हुई हालत देख, बाल वाल देख कैसे। ओ यार सुबह सुबह पंजाबी ईद ले रहे। हाँ हाँ भूख है, आलू का पराठा भी लेके आ रहा हूँ। तो तू एक प्लेट खाएगी दोनों प्लेट खाएगी वो बता। वड़ा भी ना मिल रहा है इसमें भैया, वड़ा भी डाल। तो अब यहाँ पर इडली मिंडोड़ा ले रहे, मम्मी किचन में छुप चुके और सैफ उतर के गया है लेने के लिए मेरे लिए नाश्ता। तो मेरी आग भी खुल गई, मैं सो ही नहीं रात भर, मेरे को फिर से वापस से मोशन चालू हो गया। मैं सो ही नहीं, एकदम मैं यहीं जगी थी, नींद भी नहीं आ रही थी मेरे को। हेलो ना फोन। तो अभी एक सेकेंड ना, भैया को पैसा मारना है, फोन दे दी के। हेलो तो सुबह हो गई, अभी कैफ ये और सैफ दोनों जन नहा वहा के। हाँ क्या क्या बोल रहे आदमी पता नहीं, और क्या बोल रहे बोलो तो सही, अपना क्या नाम है। अभी लोग दोनों नहाएंगे, नहावा के फिर निकल जाएंगे कब्रिस्तान के लिए। तो आप लोग से मैं नाश्ता वास्ता करती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। सो गाइस, बैठी में नाश्ता करने के लिए, मम्मी ने पास सब लावा के दे दिए, पानी वानी दवाइयाँ देखो इतनी सारी हो गई है। और मम्मी गए मेरे लिए आलू का पराठा गर्म करने के लिए, कैफ नहाने गए आलू का पराठा गर्म करके आते जब तक मैं इडली और मेंदू वड़ा खाती थोड़ा बहुत, क्योंकि पैसा मांगने का। तो गाइस यहाँ पर नहावा के रेडी हो चुके और मैंने इडली तो खा ली, अभी गरम गरम पराठा है मम्मी ने गरम करके दिए और अभी पराठा खा रही हूँ। लोग बोलेंगे यहाँ पर भी उठ के काम नहीं कर रही। क्या बोलना चाहोगे इस पर, कुछ खा रहे तू? नहीं 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 अभी तो बोली चाय चाहिए तुमको, तो चलो मैं नाश्ता कर लूँगा। सो गाइस, अभी हम लोग आए थे माहिम दरगाह और अब्बास भाई के वहाँ पे मैं फूल लेने आया था। अब्बास भाई को कल रात को कॉल करके बोल दिया था बट भाई है नहीं और छुट्टे गुलाब मिले नहीं यहाँ से, तो यहाँ से सिर्फ अभी हम लोग ने गुलाब पानी ले लिया। अभी यहाँ से हम लोग निकलते आगे दादर में, अभी मार्केट में देखते मिलता आपसे थोड़े टाइम में। सो गाइस, अभी हम लोग दोनों पहुँच चुके हैं दादर फूल मार्केट, ठीक है। अभी यहाँ पे देख रहे छुट्टे गुलाब कहाँ अच्छे मिलेंगे हम लोग को, फिर उसके हिसाब से लेके फटाफट यहाँ से निकल के कब्रिस्तान पहुँचेंगे। सो बने रहिएगा इस वीडियो में, मिलता है आपसे थोड़ा टाइम। सो गाइस, कब्रिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह निकल के अब आए हम लोग बाइकल्ला फ्रूट मार्केट और ये हमारे घर की गली है, मेरी दादी का घर है यही गली में। तो अभी वहीं से मैं जाऊँगा हरा मसाला ये सब चीज़ तो आगे से लेके, फिर यहीं से यू टर्न मार के घर निकल लेंगे। फ्रूट वगैरह यहीं से लिया, डैडी के बहुत पुराने दोस्त है तो इनके पास से ले लिया सब कुछ। अभी बस यहाँ से घर निकलते, फ्रूट वगैरह तो ले लिया, घर पहुँच के आपसे मिलते, बने रहिए। सो गाइस, मैं शूट नहीं कर पाया बीच में, मैं माहिम में हूँ अभी फ़िलहाल। तो पहले मैं गया था अफजल के वहाँ पे, थोड़ा और सामान लेना था, चूड़ा नान, ये नान कटाई, नमकीन वगैरह वो सब लेना था। तो दीदी भी आ गई थी तो सारा सामान हमने ले लिया। अभी मैं और सब निकल चुके हैं और बस अभी घर के रास्ते में है, माहिम में ही है फिलहाल, तो ऑन द वे बस घर पहुंचते। और मेरा हेलमेट कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। घर पहुंच के आपसे मिलते हैं, बने रहिए वीडियो। कौन के गोद में गाइस, छोटा छोटा मछली ये देखो। अरे छोड़ ना, इसका नाड़ा मैंने पकड़ लिया, ये नाड़ा लटका के घूम रहा है कब से। गाइस, मैं सलवार अभी निकालने का था बट यहाँ पे अभी अंगूर खा रही थी ना तो पानी गिर गया, तो पानी पोंछने आए, पानी पोंछ रहा था मैं उत्ते में। मैं और मैं बेटा ना तो वो हो गया, लाड़ा बाहर निकला तो खींच ली इसने मेरा। छोड़ दे यार, गांठ टाइट हो जाएगी ना। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे कड्डे में क्या, मत करना। सो गाइस, कुरान खानी तो स्टार्ट हो चुकी है, जनाब जी लोग सब आ चुके हैं बट वहाँ पे शूट करना पॉसिबल नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। शिरीन मुश्किल से 10 मिनट की पावर नैप मिली है उसको, उसके अलावा कुछ नहीं। रात भर भी प्रॉपरली सोई नहीं है ये, क्योंकि उसको पेट में दर्द बहुत हो रहा था इसीलिए।
बट ऐसा अभी आदमी कराटे मार के चला था। अबे वो जान नहीं हो रहा है। सो छोड़ अभी जा रही हूँ टेरेस पे। अभी जा रही है शेरन टेरेस पे, इसको मैं टेरेस तक छोड़ देता हूँ। गोद में उठा के छोड़ेंगे। पहले ही खांसी आ गई, सलवार भी नीचे उतर रही है मेरी पहले ही सुन के। चलो और ये हम लोग दोनों औरत मरद को बहुत पसंद है। कल अम्मी से हम लोग ने खोल के चेक करवाए, खाली पीछे से देख के हम लोग को पसंद आई थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी जाने मजे। बाकी एक बात है कि अम्मा की पर्सनालिटी भी यही जाने मत सुन। खास मेरी माँ का तोहफा है मदीने का, ये खाली मेरी माँ के लिए और किसके लिए ये नहीं। मदीने कैसा है अम्मा? अम्मा को भी पसंद है। खाली ये तुम्हारे लिए, ये एक ब्लैक मदीने बस ये खाली तुम्हारे लिए खास, ये अम्मा की नहीं। थैली थे उसको मैं चबिता डाली। तो गाइस यहां पर सब कंटेनर वंटेनर बन रहे खाने के लिए। ये है चिकन अखनी पुलाव, वहाँ पर मीठा है जर्दा चावल का मीठा। अब हम लोग दिखाए बिना रहेंगे तभी। सब पैक वैक हो रहा है, हो जाए। और केफ तो फुल नींद में आ चुके। प्लास्टिक की थैली का रखा है भाई की। अभी मेरे पास बस खाना ना पैक हो जाए, फिर उसके बाद में निकलते हैं हम लोग थोड़े टाइम से। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और गाइस घर के आगे ये जो है ना, यहाँ पर मुझे आना, मैं आपको कब से बोली हुई हूँ। और अपन रिटर्न आना ही अपने को यहाँ पे। क्या बोलूँ, आ रहे तो नहीं बोल रहे, पता नहीं। नहीं अम्मी नहीं आएगी, अम्मी की तबीयत सही नहीं। बात कर लो, बात करो। हाँ गाइस, तो मैं ये बोल रही थी कुछ टाइम पहले ना, सोनम कपूर आई थी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर, और मैंने इनको बोली भी थी को जाना है। अरे आगे रुका था ना, आगे टपरी ना, उधर से मैं थोड़ा कुछ पीने के लिए ठंडा ठंडा लेती हूँ ना, ठंडा ठंडा। तो मुझे ये आदमी लेके नहीं आए, बट इट्स ओके, कोई ना, अभी बस हम निकल तो चुके हैं यार। बाजू में तो है, कौन सा दूर है। काफी टाइम से गाइस निकलते 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 हम लोग बैठ गए, क्योंकि मेरी नानी बैठे हुए थे, मेरी मामी भी है घर में, और विद्या दीदी, हाँ विद्या दीदी और पूजा भाभी लोग आ गए थे। तो ये सब बातें बैठ के हो रही थी, इसके लिए थोड़ा टाइम लग गया निकलते। यस गाइस, वरना तो हम कब का निकल गए। बंद कर दो गाड़ी, जूस पिला दीजिए। जूस पिला दो, तुम से पीता मूड ऑफ है मेरा। गाइस हम लोग बीकेसी के यहाँ पहुँचे, ये अभी इलेक्शंस चल रहे, तो इलेक्शंस की जो रैलियां जा रही है, सबसे पहले को नहीं, उन लोग को पहले जाने दिए। हाँ इधर इवेंट भी उन लोग को पहले जाने दिया। मेरे को ना बीकेसी का ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर पीछे देखो, ये देखो पीछे लाइटिंग्स है ना यार, जब मैं वहाँ थी ना तो दिखाई नहीं मैंने। देखो ये देखो देखो देखो, हाँ यहाँ से निकल। यहाँ पर ना मेरा बहुत मन है कि फोटोज वीडियोस करना। ये क्या इलेक्शंस वाले, ये देखो सब के सब इलेक्शंस वाले। देखो अब मैं मावशी को पूछती हूँ कितनी पैसे, कितनी पैसे क्या, कितनी पैसे मावशी। आज मैंने ये भी नोटिस किया कि इलेक्शंस के लिए जितने लोग बाइक पे भी निकल रहे हैं ना, साला अपन हेलमेट वगैरह सब पहने आज सुबह कब्रिस्तान जाने के टाइम पे, और ये लोअर पर हेलमेट, वो लोग पुलिस वाला सामने खड़ा है, ट्रैफिक कांस्टेबल सामने है, वो लोग उनके सामने से सात बाइक वाले बिना हेलमेट और सिग्नल तोड़ के सब जा रहे। तो वही तो बोल रही हूँ ना, इलेक्शंस में भी अगर कर रहे तो कौन सा रूल वो लोग फॉलो कर रहे हैं। और अपन अपने घर की गली से वो बाहर निकल के अम्मी के यहाँ जाने के, वही बीच में फाइन पड़ जाते अपने। हाँ। आजकल वहाँ पे भी खड़े हो रहे, गली के बाहर खड़े हो जाते, और ऐसे ऐसे मेन रोड पे खड़े रह के भी सामने से फाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो हम तो निकल के थोड़ा सा पार तो कर लिए ट्रैफिक को, और बस ऑलमोस्ट पहुंच गए अभी। क्या ऐसा मिल रहा है इसको जाके, ऐसा चिपक रहा है जैसे कितने सालों से मिला नहीं उसको। और गाइस मेरी भी ना एकदम, मेरे को ना एकदम हाइबट छूट गई थी, हाइबट छूट गई थी गाइस, हाइबट छूट गई थी, फिर मैंने फटाक से जाके
कैट को भी नाइटी लेके आओ, नीचे से नाइटी लेके आए और नाइटी पहनी ना तो सुकून मिला, क्योंकि जितना भी हो कुछ भी कपड़ा पहनो पर नाइटी में सुकून मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया अच्छे से, सबको अल्हम्दुलिल्लाह खाना बराबर मिला, जिसका पहला हक था खाने के लिए सेफ ने वहाँ लेकर जाके खाना भी दिया। yes. अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो मम्मी ने ये चीज़ सोचे थे कि वो उस तरीके की किए थे कि खाना जिस को पहले पहुँचना चाहिए पहले खाना वहीं पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गिरा दी थी। कौन मुझे गिरा दी थी? अभी बुईशा कौन है? सो गाइस, कल रात को जैनब दीदी के वहाँ से खाना खाकर हम लोग आ गए थे घर, और बस घर आए हिम्मत नहीं हो रही थी आकर सो गए थे, तो व्लॉग का एंड नहीं हुआ था, उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। बस यही ख़त्म होता है आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल के एफ शिरन व्लॉग्स। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। अल्लाह हाफिज़।